आपके पास टेक्नो पोआ 6 नियो है या फिर पोआ 6 कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप वॉलपेपर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। वॉलपेपर यहाँ पे दो तरीके से चेंज होता है, तीन तरीके से। एक तो स्क्रीन पे टच एंड होल्ड करके रखेंगे, वॉलपेपर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। दूसरा कि आपको थीम में मिल जाएगा, हाई थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन है, तो जो वॉलपेपर आपको पसंद आ रहा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेट कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे रैंकिंग, कैटेगरी ये सब भी देख सकते हैं। जैसे रोमांटिक कुछ मिल जाएंगे यहाँ, डिजिटल पेंटिंग वाले यहाँ पे मिल जाएंगे, कार्टून वाले पसंद करते हैं तो यहाँ मिल जाएंगे। ये सारी कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक जनरली मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। मान लो ये वॉलपेपर मेरे को पसंद आ रहा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। या फिर कुछ यहाँ पे आपको रेकमेंड करेगा इनमें से ले सकते हैं। तो ये सेलेक्ट कर लिया, सेट एज वॉलपेपर सेट। अब कहाँ सेट करना है, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन या दोनों पे? बोथ का मतलब दोनों होता है, होम एंड लॉक दोनों। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी होम पे। कर लिया, सेट हो गया, बैक कर लेंगे। तो देख सकते हैं होम स्क्रीन पे वॉलपेपर सेट हो गया। बहुत बेकार सेट हुआ है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे उठा लिया। और यहाँ पे अपनी कोई फ़ोटो आपको सेट करनी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। थ्री डॉट पे जाएंगे, यूज़ एज वॉलपेपर, इस टाइप से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप इसका पोजीशन चेंज कर लेंगे, लेफ्ट राइट कैसा कितना दिखना चाहिए एरिया, अप्लाई। और होम स्क्रीन पे करना है, लॉक स्क्रीन पे या कहाँ पे? तो लॉक स्क्रीन पे करना है तो कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे मैं होम स्क्रीन पे फिर से इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा होम स्क्रीन थोड़ा सा बेकार हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप ऐसे करके अपनी फ़ोटो को सेट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।